आप यदि मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड देखेंगे या हिंदुस्तान का कोई लैंड रेवेन्यू कोड देखेंगे, तो उसमें एक बात है कि ये सारी जो जमीन है तो ये गवर्नमेंट की है, ऐसा उसमें लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है। अब गवर्नमेंट जो है वो फिर पट्टा देती है लोगों, ठीक है, सारी जमीन सरकार की है, और सरकार जो है तो वो जमीन का पट्टा देती है लोगों को एंजॉय करने के लिए। अब वो जो पट्टा है तो वो ट्रांसफरेबल है, और सरकार भी उसको फिर नहीं ले सकती है, ले सकती है लेकिन उसके लिए फिर उसको कंपनसेशन वगैरह देना पड़ेगा, ये सब कुछ करना पड़ेगा, ऐसा ऐसा ये करना पड़ेगा। तो अब यदि कोई ये कहता है कि नहीं किसी व्यक्ति को उस जमीन का पट्टा मिला ही नहीं, तो फिर आपको एविडेंस देनी पड़ेगी कि भाई इस जमीन का पट्टा सरकार के द्वारा मिला गया। अब मान लीजिए यहाँ सीजी में है, यदि ऐसा है तो आप पहला जो बंदोबस्त है उससे आप बता सकते हैं कि भाई ये हमारी जो पूर्वज थे उनको ये पट्टा मिला। यदि मान लीजिए ऐसा नहीं है तो जो 58-59 में फिर से नई बंदोबस्त खतौनी ये अधिकार अधिकार ये हुआ खतौनी हुई, तो उस खतौनी जो ये बनाई गई 58-59 खतौनी बनाई, तो उसमें हम बता सकते हैं कि भाई इसमें अधिकार अभिलेख इसको माना गया है, तो इसमें भी सरकार ने माना है कि हम ये जमीन हमारी है। या उसके बाद फिर नया जो अभी बंदोबस्त हुआ है उसमें भी ये माना गया है कि जमीन हमारी है। यदि सरकार मान रही है कि हम इस जमीन के पट्टेदार हैं तो ये मान लिया जाएगा कि जमीन हमारी है। यदि ये कोई कहता है कि नहीं जमीन ये हमारी नहीं है, तो ये उसको प्रूफ करना पड़ेगा, है ना, उसको ये बताना पड़ेगा भाई ये आपके नाम जो पट्टा हुआ है ये गलत हुआ है, आपके नाम जो जमीन का म्यूटेशन हुआ या जो कुछ भी हुआ जिस तरह से आई ये गलत हुआ, ये आपको बताना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हैं।